ग्वालियर में लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने दिग्विजय सिंह को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर इमरती देवी अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। इमरती देवी ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान को वसूली अभियान बता दिया। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं। इस मामले को लेकर जब ग्वालियर में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी से उनकी प्रतिक्रियाएं ली गई, तो इमरती देवी ने कहा कि चार राज्यों में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और मध्य प्रदेश में फिर से आने वाली है, ये देख कर दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक रहा है। न तो कोई अधिकारियों पे वसूली अभियान चल रहा हो और दिग्विजय सिंह ने कोनो रसीद कटाई हो तो वो बता दे कि उनने ये अभियान में पैसा दिया है। जो कार्यकर्ताओं का हमारा खाना भोजन पानी होता है उसके लिए हम लोग खुद ही इकट्ठा करते हैं, कोई सरकार की वो थोड़ी है जी। अब दिग्विजय सिंह तो आप समझ, तुम पता तो है चार राज्यों में अच्छे से सरकार आई, मध्य प्रदेश में आने वाली है, वो तो समझ लो दिमाग उनका खिसक रहा हो तो हम आपको बता दें कि इमरती देवी हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है। सिंधिया खेमे की कट्टर समर्थक इमरती देवी इससे पहले भी अपनी कार्यशैली और बयानबाजियों को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। एक बार फिर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर अपनी प्रतिक्रिया देकर दिग्विजय सिंह पर करारा निशाना साधा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। ग्वालियर में लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने दिग्विजय सिंह को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर इमरती देवी अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। इमरती देवी ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान को वसूली अभियान बता दिया। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं। इस मामले को लेकर जब ग्वालियर में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी से उनकी प्रतिक्रियाएं ली गई, तो इमरती देवी ने कहा कि चार राज्यों में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और मध्य प्रदेश में फिर से आने वाली है, ये देख कर दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक रहा है। न तो कोई अधिकारियों पे वसूली अभियान चल रहा हो और दिग्विजय सिंह ने कोनो रसीद कटाई हो तो वो बता दे कि उनने ये अभियान में पैसा दिया है। जो कार्यकर्ताओं का हमारा खाना भोजन पानी होता है उसके लिए हम लोग खुद ही इकट्ठा करते हैं, कोई सरकार की वो थोड़ी है जी। अब दिग्विजय सिंह तो आप समझ, तुम पता तो है चार राज्यों में अच्छे से सरकार आई, मध्य प्रदेश में आने वाली है, वो तो समझ लो दिमाग उनका खिसक रहा हो तो हम आपको बता दें कि इमरती देवी हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है। सिंधिया खेमे की कट्टर समर्थक इमरती देवी इससे पहले भी अपनी कार्यशैली और बयानबाजियों को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। एक बार फिर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर अपनी प्रतिक्रिया देकर दिग्विजय सिंह पर करारा निशाना साधा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।